मुंगेली जिले के लोरमी में राशन विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान न होने से नाराज सैकड़ों विक्रेताओं ने आज एक बार फिर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। राशन विक्रेता संघ ने आरोप लगाया कि राशन नापतोल मशीनों में तकनीकी खराबियों के कारण वितरण में समस्याएं आ रही हैं। कभी सर्वर डाउन होता है तो कभी फिंगरप्रिंट नहीं आता, जिससे विक्रेता और उपभोक्ता दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा संघ ने यह भी बताया कि निर्धारित राशन की जगह कम राशन का वितरण किया जा रहा है, जिससे विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश स्तरीय शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता संघ ने प्रशासन और शासन को बार बार अवगत कराया है, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसके तहत ही आज फिर सैकड़ों की तादाद में राशन विक्रेता संघ के सदस्यों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा गया कि यदि मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं की जाती है तो संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया है। भाई आपको नमस्कार। हमें जरूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि शासन को हम एक सप्ताह से जानकारी दे रहे हैं। हम एक दिवसीय धरना भी किए थे रायपुर में, जिसमें शासन प्रशासन सभी को अवगत कराया गया था कि हमारी बातों को आप रखो ऊपर तक करके, और जो भी है सरकार कहीं पे ध्यान नहीं दे रही है, ना तो विक्रेता के ऊपर ना तो जो ये चावल काट के भेज रहे उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस संबंधित में हम लोग 5 तारीख तक के सरकार को बोले हैं, सूचना दी है कि 5 तारीख के बाद अगर हमारी वो नहीं सुनते हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग करेंगे और सड़क की लड़ाई जो है हम सदन तक लेके जाएंगे। धन्यवाद। बिंदु यादव, इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की है। जो ई पॉस मशीन हमको मिला गया है ना, वो समय पे चल पाती है, उसको बार बार नेटवर्क इसको होता है वो, और फिंगर भी लगाते हैं तो बार बार आता नहीं है। और एक प्रॉब्लम तो मशीन का हो गया, दूसरा प्रॉब्लम है जब राशन आप हमको बराबर दोगे नहीं तब तक हम लोग हित रहे तब राशन कैसे पहुँचाएंगे।